अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? मैं यासिर कराची वाला भाई, आप लोग मेरा चैनल देखते होंगे, जो लोग भी देखते हों, तीन चार बंदे, पांच छह बंदे, सात आठ बंदे, जितने लोग मेरे चैनल देखते हों तो वही लोग पहचानते होंगे, क्योंकि अभी तो मुझे कोई इतना ज़्यादा पहचानता नहीं है। और बस ये कि मैं थोड़ा सा यानी कि गरीब बंदा हूँ, और हमारा जाहिर सी बात है कि क्या नाम है, इसलिए मेरे पास कैमरे वगैरह नहीं है, जो एक एक्सेसरीज वगैरह होती है एक यूट्यूबर के लिए, जो मतलब एक अच्छा कंटेंट बना सके अच्छे ग्राफिक्स के साथ और अच्छी एक लोगों को इंटरटेन कर सके। मतलब ये कि धुंधली धुंधली और ख़राब सी एक वीडियो ना हो जिसको लोग देखते ही यानी कि बोलते हैं कि यार हटा दो, ठीक है ना। तो आजकल मेरा भी कैमरा ऐसा ही है, तो जो अभी मैं कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी भी आप जिसमें देख रहे हैं मुझे, तो वो भी एक छोटा सा, बस समझ लें कि 12 या 13 मेगापिक्सल का है, ज़्यादा है नहीं वो। तो मेरा चैनल मोनिटाइज तो हो चुका है, क्योंकि वो भी मैंने जाहिर सी बात है किसी की हेल्प ली थी, जिसकी वजह से ये मेरा चैनल जो है मोनिटाइज हुआ था। तो मेरी हेल्प करने वाली निमरा खान थी, जिन्होंने एक शॉर्ट आउट दिया था मुझे, और शॉर्ट आउट की वजह से कुछ लोगों ने आके मेरी वीडियोस वगैरह को देखना शुरू किया। लेकिन वही बात है कि मैं उस चीज़ को कंटिन्यू रख नहीं सका, लोगों ने फिर मुझे देखना छोड़ दिया। वजह ये कि ज़्यादा से बात है कि मेरी वीडियोस अच्छी नहीं होती है, और कंटेंट अच्छे नहीं होते, और मेरे ग्राफिक्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि मेरे पास कैमरेज वगैरह नहीं है। तो बस ये कि उनकी मेहरबानी निमरा खान की, कि उन्होंने मुझे इतनी हेल्प की कि चैनल मोनिटाइजेशन की तरफ पहुँचा दिया, और मोनिटाइज हो गया मेरा चैनल। लेकिन वही बात है कि जब मोनिटाइज हुआ तो उसके बाद ये कि मुझे व्यूवर्स वगैरह चाहिए थे जो मेरी वीडियो को जो है वॉच कर सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके, और जो भी ये कि कमी पेशी है वो पूरी कर सके। लेकिन वो हो नहीं सका, तो जाहिर सी बात है मैं 3000 के ऊपर ही इनफ हो गया, रुक के मेरी वीडियोस वगैरह ना व्यूवर्स आते हैं। बस ये कि मैं समझ लें कि वीकली मैं एक या दो वीडियो तो मैं अपलोड करता हूँ, और उसके बाद ये कि व्यूज़ मेरे होते हैं कम से कम 30-40, और बड़ी मुश्किल से जाके 100 तक हो जाते हैं। तो पर्सनली तौर पर अगर मैं बताऊं तो मेरे जो यूट्यूबर्स हैं जो काफ़ी जो कराची के अंदर बड़े मशहूर हैं, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूबर मशहूर हैं, जैसे कि मुझे काफ़ी सारे यूट्यूबर मैंने देखे हैं, लेकिन मुझे जो मेरे सबसे फेवरेट हैं वो हैं डकी साधुररहमान जो हैं, वो माशाल्लाह क्या नाम है, इस वक्त उनके 4.5 मिलियन जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और माशाल्लाह हर उनकी वीडियोस में माशाल्लाह से 1.7 मिलियन जो है व्यूज़ होते हैं। लेकिन तो बस मैंने इस तरह मैंने देखा कि अगर किसी यूट्यूबर वगैरह से हेल्प अगर मुझे मिल सके कि मैं अपने चैनल को ग्रो अप कर सकूं, उनके थ्रू अगर वो मेरी मदद करना चाहे तो मैं बस सिर्फ एक यूट्यूबर से ही हेल्प मांगना चाहूँगा, और वो हैं डकी भाई। डकी भाई, इस वक्त अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, और ज़ाहिर है मैं कोशिश करूँगा कि भाई मेरी वीडियो आप तक पहुँचे, तो ये कि अगर मेरी वीडियो आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी सिर्फ एक छोटी सी हेल्प कर दें कि मेरे डकी भाई जो बहुत ही बेहतरीन ये कि यूट्यूबर है मेरी नज़र में, और बहुत ही ज़्यादा यानी कि ऑनेस्ट पर्सन है, और जैसे कि वो मैं तो उनको उस वक्त से देख रहा हूँ जब वो रोस्टिंग किया करते थे, और मुझे उनकी रोस्टिंग बड़ी ज़बरदस्त लगती थी, जिस तरीके से वो यानी कि दूसरों को यानी कि उनके ऐप वगैरह ढूंढते थे और उनके बारे में बताते थे, तो बहुत मज़ा आता था उनकी वीडियोस वगैरह देखने में। और अब तो बहुत ही ज़्यादा आता है, क्योंकि जब उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की है, और उनकी वीडियो समझ लें कि मैं रोज़ाना उनकी वीडियो का इंतज़ार करता हूँ, और जब उनकी वीडियो आती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है उनकी सारी एक्टिविटी देख के, उनकी मस्ती देख के, और उनकी एनर्जी देख कर, तो मुझे भी बड़ा ये कि ऐसा फील होता है कि मैं भी इन जैसा बनना चाहूँ, और क्या नाम है, इन जैसी यूट्यूबिंग करना चाहूँ। और माशाल्लाह से अभी भी उनकी शादी हुई है, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो शादी डकी भाई। और बस उनसे डकी भाई आपसे मुझे ऐसे देख के रिक्वेस्ट थी, बस वो भी आप ये समझ लें कि ज़ाहिर मैं अपनी बेटी का, मैं अपना चैनल जो चला रहा हूँ इस सब इसके समझ लें, वो भी किसी की हेल्प से कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ाए, तो मैं बस ये चाह रहा था कि थोड़ी सी हेल्प मुझे आपसे चाहिए थी डकी भाई, कि आप अपने चैनल में मेरे चैनल को थोड़ा सा शॉर्ट आउट करवा दें, और ये कि थोड़े से सब्सक्राइबर ये कि मुझे फॉलो करें आपके शॉर्ट आउट की वजह से,
तो बस एक ये आपसे हेल्प चाहिए थी ताकि मेरी एक जो गाड़ी रुक चुकी है 3,000 के ऊपर, तो वो आपकी वजह से थोड़ी चल पड़े। तो दखे भाई, ये मेरा एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट थी, अगर आप मेरा ये काम कर सकें, मैं बहुत आपका देखिए आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी और आपका बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो प्लीज़ लकी भाई, आप अपने चैनल पर मुझे थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर दीजिएगा ताकि आपकी इस मेहरबानी से लोग मुझे भी फॉलो करें। मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगा डकी भाई, कि आपका रिस्पांस क्या होता है मेरे लिए, और मैं इंतज़ार करूँगा आपके जवाब का। आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और माशाल्लाह आप अपनी वाइफ के साथ और इंशाल्लाह तबारक ताला अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारिएगा। मेरी बहुत बेस्ट विशेज आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।